अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं हिग्स बोजोन, जिसे हम गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा वीडियो लगा होगा और अभी तक लग रहा होगा। तो इसी तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, बस सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सब ठीक ठाक? ठीक ही होगा। एक बच्चे ने कमेंट करके बोला कि सर हिग्स बोजोन को अच्छे ढंग से समझाइए, समझ में नहीं आया। तो ठीक है, मजे लेंगे। एक वर्ड है इंट्रैक्ट। कौन सा वर्ड है भाई? इंट्रैक्ट। इस वर्ड को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल सेटअप करता हूं। और एग्जांपल क्या है? ये एक नेताजी हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके ये नेताजी हैं। और ये नेताजी के आसपास में चुट्टू पुट्टू होते हैं ना भाई, चेला चपाटी वे। हाँ, वही चेला चपाटी। तो ये इस तरीके से चेला चपाटी यहाँ पे है, इस साइड भी है। अब ये जो चेले चपाटी है, ये जब अकेले में कहीं जाते हैं मार्केट वार्केट में, ये धौंस जमाते हैं। ओ भाई साहब, हम तो राइट हैंड हैं फलाने नेता का, कोई भी काम ये सब इसी तरीके से निकालते हैं। तो एक्चुअली में ये सभी के सभी नेता नहीं है, बिल्कुल नेताजी नहीं है। लेकिन जब ये इनके पास होते हैं, जो जितना पास होगा, अगर ये इसके पास बिल्कुल है, तो इनका धौस रुतबा इस बंदे का थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इनके साथ रहते हैं। ये थोड़े दूर हैं तो इनका रुतबा थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ये थोड़े से और दूर हैं तो इनका रुतबा कुछ और भी कम हो जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि इंट्रैक्शन का मीन्स हम क्या समझ सकते हैं। इंट्रैक्शन का मीन्स होता है कि एक इंसान है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसकी एक दायरा है, क्षेत्र है, फील्ड है। इस फील्ड तक नेताजी का इन्फ्लुएंस चलता है भैया। जैसे गली में कुत्ते होते हैं ना, हाँ, वही स्ट्रीट डॉग्स जो आपके होते हैं, गली वाले, आपके मोहल्ले वाले, तो उनका धौंस ना अपने गली में ज्यादा चलता है, उसका एक फील्ड होता है। हिग्स बोजोन इसी तरीके से एक फील्ड को जनरेट करता है, जिसे हम हिग्स फील्ड कहते हैं। क्या नाम देंगे उसको? इस पूरे रीजन को हमने क्या दिया नाम? हिग्स फील्ड। अब इस हिग्स फील्ड के अंदर, इस पूरे हिग्स फील्ड के अंदर जितने भी बंदे आएंगे, जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, जितने भी पार्टिकल्स आ जाएं, सभी एक फोर्स को एग्जर्ट करना शुरू करेंगे, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इंट्रैक्शनल फोर्स कह सकते हैं, इंट्रैक्ट करना कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बोजोन, हिग बोजोन के फील्ड में वो इंट्रैक्ट करने लगे। तो हिग बोजोन का जो फील्ड है, हिग बोजोन जो अपने चारों ओर जो इन्फ्लुएंस्ड फील्ड रखता है, उस फील्ड के अंदर में अगर कोई भी पार्टिकल आएंगे तो स्विंग करना शुरू करेगा, हिलना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा एक्चुअली। और यही वाइब्रेशन जब इंट्रैक्ट करते हैं, जब कोई पार्टिकल इस बोजोन के फील्ड तक आ जाता है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो उसे एक ग्रेविटी देता है, ओहदा देता है, रुतबा देता है, शानो शौकत देता है। और ये जो टसनबाजी है इस चेला चपाटी का, इसे हम लोग मास कहते हैं। क्या कहेंगे? मास। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मास। जितनी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, सभी के मास जहां से आए हैं, वो केवल और केवल ये गॉड पार्टिकल या फिर हिग्स बोजोन है। हिग्स बोजोन के ही कारण किसी भी पार्टिकल के अंदर में मास होती है, मास जनरेट होती है। अगर कोई पार्टिकल बहुत दूर है, हिग्स बोजोन के फील्ड के ज्यादा करीब नहीं है, ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो उसके मास क्या होंगे? कम होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहां पे है, तो ये क्या हुआ है? इसका इंट्रैक्शन बहुत कम हुआ है। किससे? हिग्स बोजोन के फील्ड से। अगर बात दूसरे चीज की करें, जैसे कि न्यूट्रॉन, तो आपको जैसे पता है कि न्यूट्रॉन में ज्यादा मास है, तो पक्का न्यूट्रॉन यहां होगा। प्रोटॉन, तो पक्का प्रोटॉन यहां होगा।
एक्चुअली में इनके डिस्टेंसेस या फिर इंट्रैक्शन, पार्टिकल कितना ज्यादा इंट्रैक्ट हो रहा है वो उतना ज्यादा मास को होल्ड करेगा। दैट मीन्स मास जो किसी भी पार्टिकल का जो वर्चू है, नेचर है, गुण है, वो एक्चुअली वो उसका है ही नहीं। ये पूरी जो सृष्टि, ये पूरी जो यूनिवर्स बनी है, सूरज, चांद, तारे, हम, ऑब्जेक्ट, ईंटा, पत्थर, सारे के सारे, सभी के अंदर मास होगा। और ये सारे के सारे मास हिग्स फील्ड के कारण इसमें जन्म ली है। तो हिग्स फील्ड हिग्स बोजोन के कारण होता है, और हिग्स बोजोन हिग्स फील्ड को जनरेट करेगा, और ये फील्ड क्या करेगा, एलिमेंट्री पार्टिकल को वाइब्रेट कराएगी अपने फील्ड के अंदर। जो ज्यादा नजदीक होके वाइब्रेट करेगी उसमें ज्यादा इंट्रैक्शन होगा, और ज्यादा इंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मास ज्यादा होगा। बात समझ में आया? तो हिग्स बोजोन एक पार्टिकल है जो अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करती है। इस फील्ड में जो भी पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल इंट्रैक्ट होंगे, उनमें मास अपने आप जन्म लेता है। इस पूरी यूनिवर्स में जो मास है वो ओनली एंड ओनली हिग्स बोजोन के कारण है, जिसे हम गॉड पार्टिकल कहेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अगेन मैं और डिटेल से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो, इसको इतना करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए अगले क्लास में, अगले वीडियो के ऊपर में आएंगे अगला टॉपिक के साथ। तब तक पेन उठाइए, लिखिए, लिखने के बाद दबा के मारिए किस पे, लाल वाले बटन पे, और सब्सक्राइब कीजिए।